हेलो गाइस, मैं अमित नौटियाल देहरादून से आपका स्वागत करता हूँ टैलिस गॉट टैलेंट सीजन 2 में। मैं अमित नौटियाल 8 साल से सिंगिंग की लाइन में हूँ और आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं ऑन यूट्यूब। टाइप अमित नौटियाल इन यूट्यूब टू सर्च माई वीडियोज। टैलिस गॉट टैलेंट सीजन 2 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने मेरे को मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला जिसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी एक फ़ोन कॉल से। जहाँ मैं इतना स्ट्रगल वहाँ कर रहा था, यहाँ आके वो स्ट्रगल ऐसा लग रहा है जैसे सक्सेस हो गया है। मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे काम करने में। ऐसा फैमिली एक काम कर रहे हैं, काफ़ी हर चीज़ एक प्रोडक्शन मेरे साथ है, म्यूज़िक डायरेक्टर्स हमारे यहाँ। काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। जो स्ट्रगल मैं पहले से कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि काफ़ी हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यहाँ पे, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो आइए मिलते हैं हमारे नए कंटेस्टेंट से, सचिन जी। तो आइए पता करते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। हाँ जी सचिन जी, तो कुछ बताइए अपने बारे में। सर, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं पहले ना बिल्कुल ही अपने आप हो चुका था कि मैं म्यूज़िक लाइन में इतना गुम हो गया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, और ना ही मेरे पास कुछ था ऐसा जिसके साथ मैं अपनी सिंगिंग स्टार्ट कर सकूँ। तो फिर मेरे फ्रेंड ने मेरा साथ दिया। वो बोले कि यार तेरी इतनी अच्छी वॉइस है, तू कहीं पे जाता क्यों नहीं, ऑडिशन क्यों नहीं देता। तो फिर मैंने बोला कि यार मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही फैमिली सपोर्ट है। तो फिर मैंने मम्मी से बातें की और मम्मी बोली कि भाई अगर तेरा इंटरेस्ट है सिंगिंग में तो तू सिंगिंग कर, हम तेरे साथ हैं। तो फिर उन्होंने मेरा साथ दिया और तभी आके मैं टैलिस गो टैलेंट में आया, और अभी मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। तो मतलब आपकी फैमिली से आपकी मम्मी का सपोर्ट आपके? जी सर, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर। आपकी मम्मी का नाम? विश्वांति देवी। तो आज आप क्या करने वाले हैं, आप क्या कौन सा गाना गाने चाहते हैं? सर, मैं सॉन्ग गाने वाला हूँ तेरे नाम मूवी भी तेरे नाम। आपको सिर्फ लाइव अगर थोड़ा सा सुना दे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। श्योर बिल्कुल। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, हो जीवन अपना सारा सनम। अरे बहुत खूब। तो आइए चलिए देखते हैं, हम भी थोड़ा सा फील करते हैं कि स्टूडियो में जाके करने वाला है क्या सिंगिंग होगी।